आप सभी लोग इस बात को निर्विवाद रूप से मानते हैं कि यदि हम आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो इस एग्जाम की तैयारी में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। उत्तर लेखन करना अनिवार्य है। उत्तर लेखन कब से करना है आपको? आप उत्तर लेखन आरंभ से ही करिए, क्योंकि लिखने में और सीखने में पूरा 1 साल का समय लगता है। जो पढ़ते जाइए उसको लिखते जाइए, जो पढ़ना है उसको साथ साथ लिखने की भी आदत डालनी है, ताकि आपकी गति बढ़ सके, ताकि आपका प्रेजेंटेशन बढ़ सके, ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो सके, और आप कंटेंट जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा उत्तर लेखन भी आपका समृद्ध होता जाएगा। बिना आंसर राइटिंग के एग्जाम मात्र और मात्र दीवा स्वप्न है। जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं या तो एग्जाम की तैयारी छोड़ दें, और यदि अभी तक नहीं लिखा है तो अब लिखना प्रारंभ कर दें। पिछले 7 सालों से मैं आप सभी को लगातार लिखने पर सबसे ज्यादा बल देता हूं, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी, जो आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी, उसमें आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा रोल होगा, सबसे महत्वपूर्ण जो है उसकी भूमिका होगी। तो इसलिए उत्तर लेखन को लेकर मैं सबसे ज्यादा आप लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करता हूं। हमेशा मैं आपको कहता हूं कि आंसर राइटिंग आपको करना है, करना है। मैं आपको सिखाऊंगा, शून्य से लेकर के चलूंगा। आप आंसर राइटिंग के किसी भी स्तर में हो, मैं आपको उत्तर लेखन सिखाऊंगा। ये हमेशा मैंने किया है, और अभी तक लगभग आप ही के बीच में से हजारों की संख्या में छात्र आंसर राइटिंग बेहतर कर चुके हैं। जितने कार्यक्रम में ला चुका हूं आंसर राइटिंग में लेकर के, बड़ी संख्या में छात्रों का उत्तर लेखन अच्छा हुआ। ठीक है, तो चलिए आंसर राइटिंग को लेकर फिर से एक नई श्रृंखला, नई सीरीज, नया प्रस्तुतिकरण लिखना सीखें 4.0 आप सभी के सामने प्रस्तुत है। ये कहां पे होगा, कब होगा, लाइव सेशन होगा, और किस तरीके से इसको संचालित किया जाएगा, इन सब के बारे में पूरी जानकारी आप सभी को देने जा रहा हूं। आईएएस और स्टेट पीसीएस के सारे बच्चे इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले लिखना सीखे हुआ था आपका, उससे पहले भी कार्यक्रम चला है आपका, उसके पहले मैंने आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करवाई थी। कोविड के टाइम पे भी आंसर राइटिंग आपकी करवाई, कोविड के बाद भी आपकी आंसर राइटिंग चली। इसके बाद लिखना सीखे हुआ, लिखना सीखे 1.0, लिखना सीखे 2.0, लिखना सीखे 3.0 भी चल रहा है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के बच्चों के लिए है। उसको 11 बजे मैं आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के चैनल पे बढ़िया से लेकर के चल रहा हूं। आप में से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जुड़ करके आंसर राइटिंग उसमें कर रहे हैं। तो लिखना सीखे 3.0 हमारा चल रहा है। अब ये पूरी तरीके से एक नई श्रृंखला आ रही है, ये समान अध्ययन के पेपर्स के लिए, जीएस के चारों पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और साथ में निबंध ऐसे भी इसके साथ जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, और ये कब से शुरू होगा इसका टाइमिंग आप नोट कर लीजिएगा, कहां पे आपका शुरू होगा। ठीक है, समान अध्ययन के चारों प्रश्न पत्रों का उत्तर लेखन करना आप सभी मेरे साथ प्रारंभ करेंगे। समान अध्ययन के चारों प्रश्न पत्र, देखिए आईएएस और यूपीपीसीएस में तो स्पष्टता है आपका। ठीक है, आईएएस और यूपीपीएससी में तो स्पष्टता, समान अध्ययन के 4 पेपर हैं। यूपीपीसीएस में 2 पेपर और आपके जुड़े हैं, पेपर 5 और पेपर 6, उन दोनों की आंसर राइटिंग चल रही है लिखना सीखें 3.0 के अंतर्गत 11 बजे मंडे टू फ्राइडे आजाद यूपीपीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियली लाइव चल रहा है वहां पे। ठीक है, साथ में मैं आपकी कॉपी भी चेक कर रहा हूं, सारा कुछ कर रहा हूं। अब आपका लिखना सीखें 4.0 आ चुका है। लिखना सीखें 4.0 कब से स्टार्ट होगा, गेस करिए आप लोग एक बार मुझे, कब से स्टार्ट होगा ये? इसकी टाइमिंग मैंने मॉर्निंग में ही रखी है। देखो, मॉर्निंग में एक तो मेरा करंट अफेयर्स का सेशन होता है, एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे लाइव लेता हूं आपका, सुबह 5:30 बजे सेशन चल रहा है, काफी लंबे समय से चल रहा है, और लगातार उसमें करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम मैंने रिजॉल्व कर दिया आपकी। करंट अफेयर्स जो बच्चे उस कार्यक्रम को कर रहे हैं, निश्चिंत होकर के बस जितना मैं वहां पर डे 5 टॉपिक 6 टॉपिक पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स लेकर चल रहा हूं, और बहुत अच्छे से वो पूरा हमारा संचालित हो रहा है। इसके बाद हमारा दूसरा सेशन लाइव अभी आपका चल रहा है आंसर राइटिंग का। ठीक है, बाकी पेड कोर्स अलग है, वो ऐप के अंदर क्लासेस होती हैं। एक मैं आपका ये दूसरा सेशन आंसर करंट अफेयर्स की क्लास के बाद ही लेकर के आऊंगा। करंट अफेयर्स तो देखिए आपकी 5:30 बजे होती है। ये सेशन आपका लेकर के जो मेरा टाइमिंग है, जो टाइमिंग मैं आपका यहाँ पे निर्धारित कर रहा हूं, वो टाइमिंग निर्धारित हो रही है आपकी 8:45 8:30 से 8:30 मतलब 8:30 की टाइमिंग मान के चलिए, 8:30 से 8:45 के बीच में आपका आंसर राइटिंग स्टार्ट हो जाएगा। 8:30 से 8:45 के बीच आपका उत्तर लेखन शुरू हो जाएगा ये वाला। ये आपका 5:30 से 5:45 तक आपकी क्लास ये स्टार्ट हो जाती है, बच्चे उपस्थित हो जाए, सारी चीजें हो जाए, मैं 15 मिनट का टाइम हर सेशन में देता हूं आप लोगों को। ऐसे ही जो हमारा तीसरा सेशन है
तो ये वाले इसकी टाइमिंग आप लोग सभी लोग टाइमिंग अभी नोट कर लीजिए, डेट मैं आपकी बता देता हूँ, डेट बता देता हूँ, यूट्यूब चैनल बता देता हूँ, कहाँ पे होगा कैसे होगा सारी लिंक सब कुछ मैं शेयर कर दूंगा। तो 8:30 से दूसरा सेशन आपका ये स्टार्ट होने वाला है, यानी कि इसके 2 घंटे बाद का सेशन मान के चलिए, ठीक है, 2 घंटे का बाद का। और आज एक शेड्यूल बना लो, अब ये शेड्यूल आपका काम करेगा, एग्जाम अभी आने वाले कुछ ही दिनों में करंट अफेयर्स की जैसे प्रॉब्लम मैंने रिजॉल्व की है, जो बच्चे पुराने हैं जो आंसर राइटिंग कर चुके हैं, लगभग 7,000 बच्चे अभी एक ग्रुप में जुड़े हैं आंसर राइटिंग के, उसी ग्रुप में आंसर राइटिंग फिर से अगेन स्टार्ट होगी। तो जो पुराने बच्चे हैं वो अपनी आंसर राइटिंग को फिर से और बेहतर कर सकते हैं, और जो नए बच्चे हैं वो सीख सकते हैं उत्तर लेखन शून्य से। आप कहीं पर भी अभी तक आपको बिल्कुल आंसर राइटिंग नहीं आती तो आप आंसर राइटिंग यहाँ पे सीख पाएंगे। तो ये आपका सभी के लिए है, IAS, UPPCS, BPSC, MPPSC, UKPSC, RAS का एग्जाम आपका है, CGPSC का एग्जाम है, जो भी आपका स्टेट है उसी स्टेट के हिसाब से आंसर राइटिंग करिएगा, ठीक है। सभी स्टेट PCS और IAS एग्जाम को लेकर जहां भी उत्तर लेखन है, जहां पे आपको लिखना है, उसको ध्यान में रखते हुए लिखना सीखे 4.0 लाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं टाइमिंग आपकी बता चुका हूं, 8:30 से 8:45 के बीच में क्लास स्टार्ट होगी, 8:30 बजे आपको लिंक मिल जाएगी, क्लास इसके बाद किसी भी समय स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 8:45 तक हर हालत में हो जाएगी, ठीक है। आप लोग आराम से टेबल चेयर पे आराम से बैठ करके क्लास का इंतजार करिए और क्लास आपकी स्टार्ट होके क्लास शुरू होगी। दिन जो इसका डेट मैंने तय किया है कि किस तिथि से शुरू हो, आपका उत्तर लेखन कब से स्टार्ट किया जाए, तो उत्तर लेखन में आपका स्टार्ट कर रहा हूं, आंसर राइटिंग आपकी कब से स्टार्ट होगी, डेट आप लोग नहीं भाई 19 जून से नहीं है, ये 19 जून से नहीं है, कुछ कह रहे हैं सर 5 जुलाई से होगी, 5 जुलाई की तिथि से पहले ही शुरू कर रहा हूं इस बार, आंसर राइटिंग को लेकर के आपका पहले ही स्टार्ट हो रही है ये, और सुबह प्रातः का टाइम है इसलिए संभव हो पाया है, बताएं। चलिए मैं डेट बता देता हूं आप लोगों को, सभी को डेट भी लिख लीजिए और इस डेट को सभी तक जानकारी दे दीजिए जितने ग्रुपों में जुड़े हुए हैं टाइमिंग और डेट के साथ। डेट है आपका 26 जून, 26 जून 2023 मंडे टू फ्राइडे 26 जून 2023 से मंडे टू फ्राइडे आपकी सेशन शुरुआत हो रहा है, 26 जून 2023 से मंडे टू फ्राइडे आपका सेशन शुरुआत हो रहा है, 26 जून 2023 से मंडे टू फ्राइडे आपका सेशन शुरुआत हो रहा है। टाइमिंग आपकी रहेगी 8:30 बजे मॉर्निंग की टाइमिंग रहेगी, और 11 बजे जो आपका लिखना सीखे 3.0 है वो आपका उसी टाइम पे रहेगा, यही टाइम पे आपके आंसर राइटिंग यूपी स्पेशल की होगी। अब मैं एक बार थोड़ा सा टाइम स्लॉट बता देता हूं, तो लिखना सीखे 4.0 की टाइमिंग और डेट दोनों तय हो गई आप लोग की, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं सबको समझ में आ गया कौन सी डेट है, कौन सी तिथि है और कौन सी टाइमिंग है। ये टाइमिंग पे आपका 4.0 आ रहा है, ठीक है, जिसमें जीएस की आंसर राइटिंग विद एसे होगी, जीएस की आंसर राइटिंग विद एसे होगी, ठीक है। चलो अब एक बार जो है हम अब आगे चर्चा करते हैं आप लोगों के कि क्या क्या टाइमिंग अब आप लोगों को बना के रखनी है मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखो सुबह, अब इसका चैनल भी बता दे रहा हूं, चैनल है आजाद ग्रुप लाइव चैनल, जिस चैनल पे हम रेगुलर कर रहे थे, आजाद ग्रुप ऑफिशियल, आजाद ग्रुप ऑफिशियल ISPCS, उसकी लिंक मैं आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप यूट्यूब पे सर्च कर पाएंगे तो वहां पर भी आपको चैनल मिल जाएगा, ऑफिशियल चैनल है, गोल्डन कलर का लोगो है आपका, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आप एक बार टाइमिंग बता देता हूं, देखो पहली क्लास मेरी सुबह 5:30 बजे होती है, 5:30 से 5:45 तक क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है ये, ठीक है, हर हालत में। और इस क्लास में मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, चक्रव्यूह करंट अफेयर्स की क्लास होती है, करंट अफेयर्स लाइव क्लास है आपकी, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आप मुझसे जुड़ेंगे, ये आपकी लाइव सेशन, ठीक है, पहला लाइव तो मेरा ये, दूसरा लाइव सेशन अब आपका स्टार्ट हो जाएगा 8:30 से 8:45 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद मान के चलिए 1 घंटे, ये तो आपकी आधे घंटे की क्लास होती है, 5-6 टॉपिक ही कवर करता हूं मैं आपका, ठीक है, और एक होमवर्क भी देता हूं यहाँ पे आपको, ये आपका जीएस का आंसर राइटिंग है, लिखना सीखें 4.0, लिखना सीखें 4.0, ये आप सभी का आ रहा है, ये कमिंग सून है,
इसका डेट टाइमिंग आपको मैंने लिख दिया, डेट आपकी इसकी है 26 जून, 26 जून 2000, ठीक है, याद करिएगा, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस दिन में आपको जुड़ करके आंसर राइटिंग का एक नया आरंभ करना है, नया अध्याय लिखना है। मैं आपको शून्य से पूरा जीएस का आंसर राइटिंग कराऊंगा। तीसरी क्लास जो हमारी लाइव है, इसका चैनल है आजाद ग्रुप लाइव, ये आपका होता है एग्जाम इंडिया के चैनल पर, एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल है हमारा, वहां पर आपका होता है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पर है। और दूसरा लाइव जो आपका है ये आपका आजाद ग्रुप लाइव चैनल पर है, ठीक है, आजाद ग्रुप लाइव चैनल पर, आजाद ग्रुप लाइव चैनल पर, ठीक है, एग्जाम इंडिया चैनल है, आजाद ग्रुप लाइव चैनल है। और इसके बाद तीसरा है आपका लिखना सीखे, ये 11 बजे से क्लास है, ये यूपी के पेपर 5 और 6 जो नए प्रश्न पत्र जुड़े हैं उन प्रश्न पत्रों को भी मैं आंसर राइटिंग से करा रहा हूं। 11 बजे से स्टार्ट होगी आपकी, वही 11 से 11:15 में क्लास स्टार्ट हो जाती है, और ये अभी तक लगभग इसमें कई सारे कार्यक्रम हो चुके हैं, लगातार ये सतत रहेगी, कंटिन्यूअस रहेगी, यूपी के सभी बच्चों के लिए रहेगी, जो यूपी पीसीएस देना चाहते हैं उन सब के लिए रहेगी, ठीक है। तो उत्तर लेखन की धूम मचा देंगे, अब हम उत्तर लेखन को शानदार तरीके से आपके तैयार करा देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, आप लोग इस टाइम पीरियड को रखिएगा। ये टाइम पीरियड, 3 टाइम पीरियड मेरे लाइव सेशन के, इसके अलावा फ्यूचर में और एक लाइव सेशन जुड़ेगा, लेकिन वो अभी लाइव सेशन के बारे में जानकारी नहीं दे रहा हूं, वो लाइव सेशन आपका जो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसमें जीएस के टॉपिक को लेकर के जुड़ूंगा। और मैं जल्दी आप सभी के चैनल वाइज भी आपको एक दिन मिलूंगा, हर स्टेट पीसीएस में वो ब्रह्मास्त्र सीरीज को ही मैं मॉडिफाइड करते हुए आपके हर एक चैनल पे मैं आपको पढ़ाने के लिए आऊंगा और आपको कुछ नया सिखा के जाऊंगा। सीखने के लिए तैयार रहिएगा, आप सभी बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। ये पूरे दिन के शेड्यूल में आप सभी मेरे साथ इंगेज हो जाइए। आंसर राइटिंग, करेंट अफेयर्स, दो की चिंता मैंने समाप्त कर दी है। जीएस को लेकर के आप सभी के लिए मैं एक कार्यक्रम बना रहा हूं, बाकी पेड कोर्स में सब कुछ डिटेल में है, जो हमारे ऑनलाइन बैच है वहां पर डिटेल में है, जो बच्चे ऑनलाइन बैच वाले हैं वो सारे बच्चे इस कार्यक्रम से भी जुड़ेंगे ताकि इससे जुड़कर लाभान्वित हो, ठीक है। सभी के टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, इन सभी टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को अच्छे से आराम से क्लासेस करनी है, टेंशन फ्री होकर के रहना है, ठीक है। तो ये अब हमारा जो है पूरा का पूरा एक प्रारूप हमने बनाया है, सेट किया है, इस प्रारूप से आपको जुड़ के रहना है, क्लास करनी है और इंजॉय करना है, ठीक है, क्लास करना है और मस्त रहना है, डर खत्म हो जाएगा अब आपका, बस छोड़िएगा मत इसको, इसको छोड़िएगा मत, रेगुलर रहिएगा, लिखना सीखे 4.0 आपकी लाइफ में एक बदलाव लाएगा, सिलेक्शन का माहौल खड़ा कर देगा 24 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। अभी 23 में प्रीलिम मेंस है आपके, यूपी पीसीएस का मेंस है और आईएएस का मेंस है उन बच्चों के लिए, और जो 24 वाले एग्जाम वाले हैं उन बच्चों के लिए 4.0 लेकर के आया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको सब तक पहुंचाइए, सब तक जानकारी दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में आपको सूचना आज मॉर्निंग में दी गई थी, उसको ऑफिशियली मैं यहां पे आपको टाइमिंग के साथ आपको स्पष्ट कर रहा हूं। फिर से मैं इस कार्यक्रम की टाइमिंग लिखे दे रहा हूं, इसकी टाइमिंग है 8:30 बजे से स्टार्ट होगी क्लास, ठीक है, फिर 1 घंटे तक क्लास मान के चलिए चलेगी आपकी। जीएस के चारों पेपर होंगे और 26 जून से स्टार्ट करेंगे, मंडे टू फ्राइडे ही क्लास रहेगी। यदि यदि किसी भी कारण से क्लास का अवकाश होता है तो आपको पूर्व सूचना टेलीग्राम ग्रुप में आपके दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए एक स्पष्ट और डिटेल जानकारी आप सभी को उपलब्ध करा रहा हूं। तो ये आप सभी के लिए आप लोग की प्रतीक्षा थी, वो प्रतीक्षा पूरी तरीके से समाप्त हुई, इत्मीनान से आंसर राइटिंग को लेकर पूरे जोश और जज्बे के साथ मेरे साथ जुड़ करके उत्तर लेखन करिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सभी लोग अब आंसर राइटिंग के इस लाइव सेशन से जुड़ के लाभान्वित होइएगा, पूरी तरीके से मैं आप सभी के साथ रहूंगा और इस टाइमिंग पे आपके साथ जस्टिस करूंगा, न्याय करूंगा। आप लोग बस मेरे साथ जस्टिस इतना करना कि जो मैं आपको बताऊं उसको पूरा करना, लिखना, जो फीडबैक दूं उसको समझना, ठीक है। तो ये आप सभी की एक लंबी प्रतीक्षा जो थी वो आप पूरी तरीके से समाप्त हो गई, लिखना सीखें 4.0 ऑफिशियली मैं आप सभी के लिए लॉन्च कर चुका हूं, ठीक है। तो 26 जून का इंतजार करिए, अभी बीच में जुड़ते रहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के, मैं आपको सूचित करता रहूंगा, बताता रहूंगा, ठीक है, चलिए।